ओहो ये है बन। बहुत बढ़िया बोल भाई, थोड़ा दूर रखो, थोड़ा दूर भाई, तालियों से स्वागत करो भाई। अश्व पालक अपने बीच में आए, तालियों से स्वागत करो, तालियों से स्वागत। बहुत दूर रखो भाई, थोड़ा दूर रखो, थोड़ा सा आराम से, आराम से, आराम से, धीरे धीरे, आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में आया मैं इनका। नमस्कार, मैं ललित सैनी और आप देख रहे हैं जुगनू बारा। अभी मौजूद है टोटपुरा मेले के अंदर और जो आज मारवाड़ी और हॉर्स शो का आयोजन किया गया, तो अनिल जी ने आयोजित कराया था, तो जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो अनिल जी, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या प्रोग्राम है आज का? हमारे बीच में सेकावाटी हॉर्स शो का आयोजन किया गया है, जो हमारी सेकावाटी के लिए बहुत ही मतलब एक सराहनीय काम है। तो मैं, मेरे साथ में वोनी सर है, जो पिछले कई सालों से मारवाड़ी हॉर्स इससे हॉर्स मतलब जो है अपने इनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बार वोनी सर को कहना चाहूँगा कि जो भी है वो थोड़ा आप बताएंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा मेरी। सर जी, सर। सबसे पहले तो भाई टोटपुरा के सरपंच साहब और अनिल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है घोड़ों के खातिर। ऊँटों का तो यहाँ मेला लगता ही था, और अगर दूसरे साल में अगर इतना अच्छा इनको रिस्पांस मिला है तो 100% हमारे को उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में ये शो बहुत अच्छा होगा और काफ़ी दूर से भी लोग और अच्छे अच्छे एनिमल्स इसमें आएंगे। इस साल भी जो हमने घोड़ों की जो स्टेटस देखा बहुत अच्छा रखा, बहुत अच्छे अच्छे जानवर आए, और उससे पूरी उम्मीद है कि घोड़ों की जो मारवाड़ी घोड़ों की ब्रीडिंग है वो एक अच्छे स्तर पर ग्राउंड लेवल से, मैं बड़े बड़े स्टड फार्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो किसान जो घोड़े रख रहे हैं उनके घोड़े देख के बड़ा आनंद आया कि इतने बढ़िया घोड़ों को वो पाल रहे हैं। तो सर, जैसे शेखावाटी के अंदर ये फर्स्ट शो है मेरे हिसाब से, तो अनिल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे भी यही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से लगे रहें, और हम लोगों से जो भी हेल्प होगी सोसाइटी से होगी वो हम लोग सब मिलके इनके साथ में मेहनत करेंगे और शो अच्छा चलना चाहिए। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा मैम है जोधपुर से। नमस्ते मैम। नमस्कार। ये जो शेखावाटी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे बीच पधारे हैं। शेखावाटी का जो ये हॉर्स शो रहा है ये बहुत ही शानदार रहा है। मैं ऑलमोस्ट इंडिया के सारे हॉर्स शोज अभी जज कर रही हूँ, हर जगह पे जाती हूँ। जैसा अनिल जी ने एक फ़ोन कॉल पे मेरे को बोला कि मैं ये शो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, बोनी बना का भी मेरे पास में फ़ोन आया था, शरवण जी का भी आया कि आप अगर इसमें आते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, ब्रीडर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ आने के बाद में जो एनिमल्स देखे हैं रियली बहुत अच्छे हैं, जो क्वालिटी ऑफ एनिमल्स हैं वो भी बहुत अच्छी रही, नंबर ऑफ़ एनिमल्स भी बहुत अच्छे रहे। अगर ये दूसरे साल में ये कंडीशन है तो शायद आने वाले सालों में यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर ऑफ़ एनिमल्स हम लोगों को मिलेंगे, और मारवाड़ी घोड़ों का जो यहाँ पे अभी संरक्षण और संवर्धन हुआ है ये रियली बहुत अच्छा है। यहाँ के सरपंच साहब को, अनिल जी को और गांव वालों को और जितने भी हॉर्स ब्रीडर्स हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मारवाड़ी घोड़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और इस तरीके से ध्यान दे रहे हैं कि आज जब वो रिंग में आ रहे हैं तो हमें ये सोचना पड़ रहा है कि कौन सा एनिमल फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, इसमें से माइनर सा भी जो पॉइंट है वो हम कैसे जज करें ताकि हम लोग बहुत फेयर डिसीजन दे सकें। और यहाँ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन जिसे कह सकते हैं, बहुत ही कट टू कट हम लोगों को एनिमल्स मिले हैं और बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे जानवर आए, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टोटपुरा इस तहसील को, पूरे ग्राम को, सब लोगों को। जैसे पॉइंट्स वगैरह किस तरीके जजिंग करते हो, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। सर, इनके ईयर्स को देखा जाता है, इनके लेग्स को देखा जाता है, इनके बॉडी जो हम लोगों के पूरे इनके क्राइटेरियाज हैं, पूरा ये एक ब्रीड स्टैंडर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी फाइनलाइज्ड है, सोसाइटीज़ के द्वारा भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड के अंदर है। तो एक एक चीज़ को हम लोग इनके आईज़ को देखते हैं, नॉस्ट्रिल को देखते हैं, इनके ईयर्स को देखते हैं, इनके फीदर्स को देखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सभी के पॉइंट्स एक जैसे हो जाते हैं तब हम उन लोगों का कंपैरिजन करते हैं, प्रेजेंटेशन का होता है, उन लोगों का मूवमेंट कैसा हो रहा है, उनके पाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कान मिल रहे हैं, मारवाड़ी की एक सिंपल सी डेफिनेशन हम निकालते हैं, जिसके कान मिल रहे हैं वो मारवाड़ी है, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग मारवाड़ी में नहीं आती है, अगर वो टच कर रहा है तो वो ट्रू टू ब्रीड मारवाड़ी हॉर्स होता है। जैसे ही हम एनिमल को देखते हैं सबसे पहले ईयर्स को, उनके फेस स्ट्रक्चर को देख के हम लोग एनालाइज कर लेते हैं ये मारवाड़ी में आता है या नहीं आता। यहाँ एक या दो एनिमल ऐसे थे जिसके अंदर काठियावाड़ी का मिक्स था, जिनके बहुत ज़्यादा जो फेस है वो बहुत हैवी था,
गर्दन उनकी बहुत हैवी थी और मारवाड़ी का जो रहता है वो बहुत ही एक लिमिटेड क्राइटेरियाज रहता है और वो अपने सारे ब्रीड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग उसको जज करते हैं सर। चलो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सरपंच साहब दो सब देवी बोलो, आज का प्रोग्राम के बारे में क्या के लाग रहे थे? देखो जो हॉर्स शो 2024 टोटपुरा में अनिल ने ऑर्गेनाइज किया है वो मोनीबना के सानिध्य में हुआ है, इनके मार्गदर्शन में ये शो आगे भी चलता रहेगा और शायद खूब मतलब इनका सहयोग फ्यूचर में मिलेगा। तो एक बार अनिल की टीम को और जितने भी संचालक मंडल के, जैसे मैडम जोधपुर से आए हैं, श्रवण जी दूर से आए हैं, यूट्यूब चैनल की टीम है, सभी पत्रकार बंधु हैं, सभी का सहयोग इस तरह से रहा तो निश्चित रूप से भविष्य में इस मेले को चार चांद लग जाएंगे मेरी ऐसी। सर जैसे कितने घोड़े आपको लग रहा था कि इतने आ जाएंगे लास्ट टाइम? अभी 40-45 हॉर्स यहाँ पे आए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, सेकंड टाइम पे है ये, छोटे से समय में इतना कुछ होना मतलब अपने आप में एक अनूठी मिसाल। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो अनिल जी आज कौन कौन सी कैटेगरी ऑर्गेनाइज करी गई उसके बारे में? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, कैटेगरी तो हमने मिल्क टी ली है, टूटी ली है और स्टेलियन कैटेगरी ब्रूड मेयर। हमने यहाँ जितने अश्व पालक आए हैं उन सबको मतलब यहाँ टाइम दिया है कि भाई आप कैसे अपने आप जो जितने अश्व लेके आते हो उनके अंदर कैसे कैसे अपने जो कैरेक्टर उनको डेवलप कर सकते हो। मैडम ने बहुत ही अच्छी बारीकी से और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत बारीकी से सभी जो अश्व हैं उनको देखा है और बहुत अच्छे से इन्होंने जो निर्णय दिया वो काबिले तारीफ है। और ऑडियंस है जो जिन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया था कि भाई आज जो आप करवा रहे हो बहुत अच्छी बात है और शेखावाटी के लिए नहीं बल्कि राजस्थान के लिए भी ये शो आगे तक जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। सर जैसे ही मेले में एंटर करते हैं पहले तो ये लगता था कि ऊँटों का मेला है, लेकिन जैसे ही हम एंट्री किए तो हमें लगा कि आज यहाँ घोड़े ही घोड़े हैं, ऊँट तो दिख नहीं रही। तो उसके बारे में आपका क्या? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो हमारे जो ऊँट है ये भी घोड़े ही हैं, रेगिस्तान का जहाज है। और दूसरी बात यह है कि देखो घोड़ों से मुझे लगाव था, मैंने कम समय के अंदर लगभग मुझे 3 साल हुए हैं और 3 साल के अंदर मैंने क्या है मेरा एक ध्येय भी था कि मैं घोड़ों को आगे तक लेके जाऊं। क्या है कि आज की जो जनरेशन है वो धीरे धीरे क्या है हर चीज़ों से हट रही है। अब ऊँट को देखो आप, ऊँटों से लोग पीछे जा रहे हैं और ऐसे ही क्या है घोड़ों से भी लोग पीछे जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये आने वाली जो पीढ़ी है वो इसके साथ कनेक्ट हो और इसको और आगे तक लेके जाए ताकि अपने मारवाड़ी जो राजस्थान की जो निकली हुई ब्रीड है वो बहुत आगे तक जाए। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका और जो हमारे बीच में पधारे हमारे मेहमान उन सब का मैं तहे दिल से और जितनी भी ऑडियंस जो देखेगी और जो हमारे यहाँ पधारी है उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर आपका और मैडम आपका और रामजी भाई हमारे बीच में तमाम जितने सदस्य हमारे बीच में पधारे उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ के सरपंच हैं? यहाँ ग्राम पंचायत बागुरंडी सरपंच राजेंद्र सैनी। तो सर आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा, ये जो अनिल भाई ने प्रोग्राम करवाया है वाकई में ये हमारे टोटपुरा नहीं हमारे आसपास के क्षेत्र बागुरंडी चिराना के क्षेत्र के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी बात ये हॉर्स जो शो है ये यहाँ हुआ है और बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ गाँव के लोग चारों तरफ से लोग आए हैं और देख कर खुश हो रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। दूसरी बात यहाँ की हमारे क्षेत्र की इस शो से हमारे क्षेत्र की पहचान बढ़ेगी, हमारे यहाँ की पंचायतों की पहचान बढ़ेगी और धीरे धीरे ये दूसरी साल है और बहुत आगे तक जाएंगे क्योंकि अनिल भाई बहुत ही मेहनती है और जो यहाँ से गौरी जी आए हैं जो हमारे लिए राजस्थान के लिए गर्व की बात है, सबसे बड़ा इनका हॉर्स वो है हमारे इसमें मुकुंदगढ़ में, तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। डॉक्टर जी यहाँ आए हैं और जजेस तो मैंने पहली बार देखा है, और डांस वगैरह करते हैं टीवी शो पर हमने देखा है कि उनका जज करते हैं, तो पहली बार ये हॉर्स शो में के अंदर जो जजेस करना है हमने पहली बार देखा है और ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को और आप सभी को मैं यहाँ हमारे ग्राम में पधारने के लिए और हम बड़े भाई बावर जी धीमा के ग्राम पंचायत में पधारने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।